तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड फंड्स के बारे में। कुछ गोल्ड फंड्स के नाम बताऊंगा मैं आपको। अभी मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, उसके बारे में मैंने गोल्ड के बारे में बताया था कि अभी इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड है जो काफ़ी अभी रैली कर गया है कुछ ही टाइम में, और एक ईयर में गोल्ड फंड्स ने जो है लगभग 46% की जो है रिटर्न्स दे दी हैं, और कई फंड्स तो ऐसे हैं जो 50% की रिटर्न्स वन ईयर में दे गए हैं। तो देखिए, ये है कि अब हमेशा ही तो ये नहीं है कि गोल्ड ऊपर ही जाता रहेगा, तो हर एक चीज़ का समय होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि गोल्ड अभी आगे ना ऊपर जाए, हो सकता है कि इससे भी डबल हो जाए, क्योंकि अगर हम पीछे से आने वाले टाइम में देखेंगे तो गोल्ड दोस्तों ऊपर ही चढ़ रहा है, प्राइस उसके अप ही हो रहे हैं, डाउन बहुत कम जा रहे हैं। और हमारे इंडिया में तो सेफेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट भी लोग गोल्ड को ही मानते हैं। तो चलिए, बिना किसी बात के शुरुआत करते हैं गोल्ड फंड्स के बारे में। तो जो बाबूजी सबसे पहला फंड है वो है कोटक गोल्ड फंड। तो इनके फंड मैनेजर जी का नाम है अभिषेक बिशन, और स्कीम है ओपन एंडेड बिल्कुल, और लॉन्च डेट है बाबूजी 25 मार्च 2011 को फंड लॉन्च हुआ था। तो चलिए थोड़ी सी रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। वन मंथ में रिटर्न्स जो इस फंड ने दी हैं वो हैं तकरीबन 19% के आसपास, 18.5% की रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही हैं। वन ईयर में हमें 56.51% की रिटर्न्स देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, और थ्री ईयर में 18.7%, पाँच ईयर में 11.69% की रिटर्न्स जो हमें देखने को मिल रही हैं। और फंड साइज है बाबूजी, फंड साइज मतलब हम AUM कह देते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो है इसका 284 करोड़, और NAV है जो नेट एसेट वैल्यू जिसे हम देखकर यूनिट्स बाय कर फंड में निवेश करते हैं, वो है 21.36 पैसे एज ऑन अप्रैल 15। तो एग्जिट लोड देखिए नोट करना पड़ता है हमें अगर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमें कब जो रिनेम करनी पड़ जाए मनी, तो हमें फिर चार्जेस लगते हैं थोड़े से, एग्जिट लोड होता है जो। तो 2% है अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर रिडीम करते हैं, और उसके बाद 1% है बट बिफोर 1 ईयर। तो होल्डिंग्स है जो 98.1% है कोटक गोल्ड ETF फंड में है जो इनका निवेश है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो गोल्ड फंड होते हैं वो ETFs में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ETF मतलब कि जो गोल्ड ETF होते हैं। तो नेक्स्ट फंड है हमारा HDFC गोल्ड फंड। फंड मैनेजर हैं कृष्ण कुमार डगा जी, और स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, लॉन्च डेट 1/11/2011। रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं, वन मंथ में 22% के आसपास की रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही हैं, और वन ईयर में 58.77% की पॉजिटिव रिटर्न्स, थ्री ईयर में 18.92% की रिटर्न्स, वन ईयर में 12.93% की रिटर्न्स, और फंड साइज है बाबूजी जो फंड का वो है 329 करोड़ रुपये, और NAV जो नेट एसेट वैल्यू 16.78 पैसे की, और एग्जिट लोड सेम है पहले फंड जैसा, 2% अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर रिडीम करते हैं, और आफ्टर देन 1% बट बिफोर 1 ईयर। तो होल्डिंग्स है जो 98.47% की HDFC गोल्ड ETF में है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 5,000 से कर सकते हैं, और SIP अगर आप शुरू करना चाहें तो 500 रुपये शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट फंड की ओर बढ़ते हैं, तो एक्सेस गोल्ड फंड। फंड मैनेजर हैं जो दिव्यांग शाह जी हैं, स्कीम टाइप ओपन एंडेड है, लॉन्च डेट है जो 20 अक्टूबर 2011 को फंड लॉन्च हुआ था। रिटर्न के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो वन मंथ में बावजूद जो 25.57% की रिटर्न्स मिली हैं इन्वेस्टर्स को, वन ईयर में 62.69% की रिटर्न्स, थ्री ईयर में 19.84% की रिटर्न्स, पाँच ईयर में 12.81%, और फंड साइज है जो AUM वो है 70 करोड़, NAV एज ऑन अप्रैल 15 बता रहा हूँ मैं, 17.39 पैसे जो है NAV, क्योंकि हो सकता है अगर आप आज चेक करें कल चेक करें तो NAV चेंज डेली होती है डेली बेसिस पे। तो होल्डिंग्स है जो एक्सिस गोल्ड ETF में 95.04% की होल्डिंग्स हैं, और एग्जिट लोड 1% ही है इसका अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इसमें रिडीम करते हैं अपनी मनी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 5,000 रुपये है, और मिनिमम SIP 1,000 रुपये। आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड है फंड है जो हमारा अगला फंड है।
और फंड मैनेजर हैं जो लवलीस सोलंकी जी हैं। स्कीम टाइप ओपन एंडेड, लॉन्च डेट 20/3/2012 को फंड लॉन्च हुआ था। रिटर्न्स हैं जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं, 1 मंथ में 30.45% की रिटर्न्स, 1 ईयर में तकरीबन 70% की रिटर्न्स ये देखने को मिल रही हैं, 69.57% की रिटर्न्स। और 3 साल की बात करें तो 20.95% की रिटर्न्स, 5 साल की बात करें 13.87%। और फंड साइज है जो 98 करोड़ रुपये। बाबू जी एनएवी की बात करें तो 17.39 पैसे एनएवी है। होल्डिंग्स है जो आदित्य बिरला सनलाइफ गोल्ड ईटीएफ में है 92.22% की। एग्जिट लोड अगर आप 1 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो 1000 रुपये है, मिनिमम एसआईपी 1000 रुपये है। तो देखिए मैंने आपको इन फंड्स के बारे में बताया, मेरा इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें बिना आंखें बंद कर निवेश कर दीजिए। मैं अभी आपको सलाह दूंगा कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी से शुरुआत करें, क्योंकि गोल्ड की जो यूनिट्स हैं, गोल्ड फंड्स की यूनिट्स हैं, वो बहुत ही अभी एक्सपेंसिव हो गई हैं और आपको यूनिट्स ज़्यादा नहीं मिलेंगी क्योंकि गोल्ड 7 ईयर हाई पे है। क्योंकि मैंने जैसे आपको वीडियो पे कल बताया था, तो आप वो वीडियो इनमें फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।